देखा है कहाँ है? आगे से पानी की लाइन तोड़ दी। पानी की लाइन कहाँ से? आगे से पानी की लाइन जहाँ से खोद रहे हैं ना, इस जगह से पानी की लाइन टूटी। वो तो पुल खोद खाद के चले गए, खोद चले गए, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, वो मट्टी डाल के चले गए। मैंने इसी की निशानदेही की थी कि ये तोड़ के चले गए। हम करवा रहे हैं, मेरा लड़का है इधर का और ये बुलाया मैंने, तो यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बता दें। ये कहाँ पर ये पाइप लगाया और क्यों लगाया है? ये पानी दे रहे हैं इनको, पानी टूट पाइप टूट गया इनका, पानी का बुलाई करी थी ना इन्होंने उस दिन। हाँ, सिटी सेल के कह रहे थे आपने जो रिपोर्टिंग करी थी। और वो उसके बाद ये जो लेबर लगाई है ये इन लोगों ने खुद लगाई है? जी जी बिल्कुल, ये खुद ही लगवाई है ताकि जब उनका पानी की लाइन वगैरह सही हो सके। गटर लाइन भी तोड़ दी है यहाँ से इन लोगों ने। ये वो लेटर है जिसे दिखाकर हमला और उनका ठेकेदार, ये देखें ये ठेकेदार है, इसने यहाँ पर खुदाई की, इसका नाम बहादुर खान है। बहादुर खान का बताना था कि उनके पास वो इनके ठेकेदार के पास जो है उसका जो इसके पास ठेका मिला है उसके पास इजाज़तनामा है। ये 13D1 के इलाके में ये देखें खुदाई करके ये लोग भाग गए हैं और उसके बाद मजदूरों ने ये खुला छोड़ दिया। यहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी तोड़ी गई है और सीवरेज की लाइन भी तोड़ी गई है। इसी वक्त हमने जो है वो निशानदेही की थी इस ठेकेदार से, बहादुर खान से, कि ये देखो ये लाइनें टूट गई हैं। उसने कहा कि हम इसको करेंगे, ठेकेदार हमारा जो मरकज़ी ठेकेदार है वो करेगा, लेकिन ये देखें यहाँ पानी की किल्लत पैदा हो गई है। लोग एक दूसरे को पाइप लगा कर जो है पानी दूसरी बिल्डिंगों में दे रहे हैं क्योंकि लाइनें टूट गई हैं, पानी नहीं है। सीवरेज का लाइन जो है ना वो ख़राब हो गई है, तोड़ दी गई है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब पैसे खर्च करके अपनी लाइन को बनवा रहे हैं और मज़दूरों को लगाया है। अच्छी खासी जो है वो उनकी रकम जो है वो खर्च हो रही है, लेकिन इसका तमाम तर सेहरा जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को जाता है, टाउन को जाता है, गुलशन इकबाल टाउन को जाता है। इन्होंने इस तरह से यहाँ पर लूट मार की है। ये 13D1 का इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर सड़कों के किनारे खोद कर, इससे पहले भी खोद कर गए थे, वहाँ गाड़ियाँ भी गिरी और अब ये खुदाई करके इन्होंने यहाँ से जो है वो फरार हो गए। पाइपलाइन टूट गई है, लोग अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं और उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये गुलशन इकबाल टाउन के जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि इस पर गौर करें, देखें। इस सिलसिले में आला सतह पर तहकीकात का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और जो मिनिस्टर है मुतालका नासिर हुसैन शाह से कहा गया है कि वो इस मामले को देखें और ये जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, उसकी रोकथाम करें। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।